चाहती हूँ, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि इस वर्ष सरकार ने कितनी लक्ष्य रखा है, कितने लोगों को रोजगार देगी, ये बताने की माननीय मंत्री जी कृपा करेंगे। अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैंने सरकार को धन्यवाद दिया जो रोजगार के प्रति इतनी गंभीरता दिखाई और नई नियुक्ति नियमावली माननीय सदस्य अपने आसन पर जाए, माननीय सदस्य अपने आसन पर जाए, आसन का मजबूरी को भी समझे। मैंने ये भी मांग किया है कि जो नियोजन नीति में कई संशोधन के लिए काफी आवाज उठी है, मांग उठी है, उसको संशोधन करने के लिए नई नियुक्ति नियमावली को, उसके लिए भी मैं अनुरोध करती हूँ माननीय मंत्री जी से, और कि उसपे संशोधन करे और साथ में पढ़ेंगे अमर जी, आप व्याकुल ना हो, हम निश्चित पढ़ेंगे आपका बात पढ़ेंगे। आप अपने आसन पर जाए, हम पढ़ेंगे। अमर जी पढ़ेंगे, अध्यक्ष अमर जी पढ़ेंगे, एकदम पढ़ेंगे। आप अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ। अरे भाई, प्रश्न आपका कोनो ऐसे है क्या? प्रश्न करिए माननीय मंत्री जी, जवाब देंगे। आप ऐसे की तरफ पढ़ रहे हैं, इसका जवाब नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। ऐसे होता है, आप पूरक पूछिए, पूरक जवाब नहीं मिल रहा अध्यक्ष महोदय। पूरक पूछिए ना, पूरक क्या है आपका? पूरक मैं एक ही चीज को बार बार बोल रही हूँ अध्यक्ष महोदय। आप पूरक समझ रहे हैं कि नहीं? पूरक पूरक यही है अध्यक्ष महोदय, पूरक पूछिए। सरकार से अनुरोध है अध्यक्ष महोदय, आप पूछिए। इसमें जो वैकेंसी रिक्त पड़ी है, महिला सदस्य प्रश्न पूछ रही है, राजहित का जरा जरा इनका भी प्रिविलेज नवीन जी, उसकी परीक्षा संचालित कर ज्यादा से ज्यादा नियुक्ति इस वर्ष करवाए। माननीय मंत्री जी जिसके वजह से जवाब दीजिए उनका। महोदय, इनका जवाब जो है साफ दिया गया है, और जो हमारे सदस्य को पूछने का आशा है, सरकार स्तर से रिक्त पदों का विरुद्ध नियुक्ति कार्रवाई की जा रही है, प्रोसेस में है, बहुत जल्दी किया जा रहा है जाएगा, और जितना विभाग का डिस्टर्ब कर दिया है विभाग का, उसको भी हम लोग छुट्टी दे रही है। मंत्री जी, माननीय सदस्य, कि इस वर्ष सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है, कितने लोगों को रोजगार। प्रदीप जी कुछ बोल रहा है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उत्तर दिया है कि भाई